फ्रेंड्स, वेलकम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है जौहरी विंडो। आखिर ये जौहरी विंडो क्या होती है? जौहरी विंडो एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम अपने आप को, अपने रिलेशनशिप्स को एक अच्छी तरीके से समझते हैं दूसरों के साथ और अपने साथ, अपने रिलेशनशिप्स को समझने की एक टेक्निक है जौहरी विंडो। ओके, द मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रुप डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। बेसिकली जौहरी विंडो इज टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। ये किसने दिया था? दिस वॉज डेवलप्ड बाय जोसेफ एंड हैरी, और इसी को मिला करके बना है जोसेफ जो प्लस हैरी इज जौहरी। आई होप कि एक ईजी तरीका होगा आपको याद रखने के लिए भी कि जोसेफ प्लस हैरी। ओके, सो इनके नाम क्या थे? जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंगम, ये इनका नाम था। और इन्हीं दोनों के नाम को मिलाकर के बनी है जौहरी, जो कि आप इसकी डेट्स भी मेंशन कर लो, 1955, ठीक है, 1955 के अप्रोक्स ये दिया था इन्होंने, 1955, ओके, ईयर है 1955, ओके। सो व्हाट इज बेसिकली जौहरी विंडो, होती क्या है? तो चलिए देखते हैं कि जौहरी विंडो क्या है। जौहरी विंडो में पहले तो ये चार डिविजन्स हमने किए, ठीक है। सबसे पहले वो चीज़ होती है जो होती है ओपन एरिया। ओपन एरिया इज़ लाइक कि वो ऐसी चीज़ कि जो हम अपने बारे में भी जानते हैं और दूसरे भी हमारे बारे में जानते हैं, जैसे मेरा नाम क्या है या और सारी चीज़ें, क्या करते हैं, लड़का हैं, लड़की हैं, सॉर्ट ऑफ इस तरह का। कि और ऐसी जो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि आपकी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो सब जानते होंगे, आप ओपनली बता देते हो कि ऐसा ऐसा है और लोगों को भी पता है कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। दूसरी तो ये क्या होता है, नोन टू अदर्स एज वेल एज नोन टू सेल्फ, ठीक है, हमें भी पता होता है, दूसरों को भी पता होता है। सो दिस इज ओपन सेल्फ फर्स्ट, ठीक। दूसरी चीज़ है आपकी ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको अपने बारे में नहीं पता है, ब्लाइंड हो आप, लेकिन दूसरों को उस बारे में पता है। ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो दूसरों को पता हो और आपको ना पता हो? मे बी कि आपको लगता हो कि आपका नेचर बहुत अच्छा है या आपका एटीट्यूड लोगों की तरफ बहुत अच्छा है, बट मे बी लोगों को कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, है ना, कि अरे इस बंदे का नेचर अच्छा है या इस बंदे का नेचर अच्छा नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपनी कमियाँ होती हैं वो हो सकता है कि आपको रियलाइज़ ना हो। कहते नहीं कि तुम्हें खुद नहीं एहसास होता है कि क्या गलती है या क्या चीज़ें, तो वो ऐसी चीज़ें जो दूसरों को पता हो बट यू आर नॉट अवेयर, तो दैट इज़ द ब्लाइंड एरिया। देन कम्स हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ आप ऐसी चीज़ें तो हैं जो आपके बारे में दूसरों को पता है पर आपको नहीं पता है, बट एक ऐसी भी तो चीज़ है, ऐसे सीक्रेट्स जो हैं आपके पास, जो आपको तो पता है बट दूसरों को नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ें, रिलेशनशिप्स मोस्टली ऐसी चीज़ें जो दूसरों को आपके बारे में नहीं पता होती है बट आपको पता होती है, सीक्रेट्स। हाँ, सो दे आर सीक्रेट्स, बेसिकली सीक्रेट्स। सो दिस इज हिडन एरिया, जो कि आपको पता है बट दूसरों को नहीं पता है। और कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर हैं जो ना आपको पता है और ना ही दूसरों को पता है, उसका नाम रखा है, तीसरा हमने लिखा है ये हिडन एरिया जो कि सीक्रेट वाला है आपका, एंड द फोर्थ वन इज़ द अननोन। अननोन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना आपको पता है और ना दूसरों को पता है आपके बारे में। तो पहली चीज़ क्या है? ओपन एरिया, जो आप भी जानते हो अपने बारे में, दूसरे भी जानते हैं। दूसरा इज़ ब्लाइंड एरिया, जो कि दूसरे जानते हैं आपके बारे में कि अरे कभी कभी ऐसा नहीं होता कि वी से कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन कोई और आपको पुश करता है कि नहीं तुझसे हो जाएगा, तुझसे हो पाएगा, है ना।
जब हम ऐसे बोलते हैं ना मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कोई कहता है नहीं तेरे से हो जाएगा, तो क्योंकि वो जानता है हमारे अंदर का पोटेंशियल. तो दिस इज ब्लाइंड एरिया कि हमको नहीं पता है बट सामने वाले को पता है कि नहीं ये बंदा कर लेगा. देन इज हिडन एरिया जो कि मैंने आपको अभी बताया कि सीक्रेट्स आपके जो होते हैं जो दूसरों से आप छुपा करके अपने तक के रखते हो, जो एकदम सीक्रेट्स होते हैं जो आप किसी से भी शेयर नहीं करते हो, दैट इज अननोन टू अदर्स बट नोन टू यू. एंड द लास्ट इज फोर्थ वन इज अननोन, दैट इज जो आपको भी नहीं पता है और ये दूसरों को भी नहीं पता है. ठीक है, तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपको जौहरी विंडो का एक ब्रीफ आइडिया तो लग ही गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि वॉट इज जौहरी विंडो, क्या होती है एक्चुअली, तो एटलीस्ट आप फोर्थ चार अच्छे से विंडो बना करके चार चीज़ें एक्सप्लेन कर ले जाओगे. ओके फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड